दोस्तों फाइनली अब हो चुकी है चेन्नई की एंट्री, जो लेकर आएगा सभी शान की जिंदगी में नया तूफान। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। सभी ईशान की खातिर चेन्नई पर हाथ उठा देती है और इसे सबक सिखाती नजर आती है, लेकिन इस बात को चेन्नई भूलने नहीं वाला है और वो सभी से बदला लेने के लिए बहुत बड़ी साजिश रचेगा रामनवमी के दिन। जी दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि सभी ने इस चेन्नई पर जो हाथ उठाया उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि चेन्नई वहीं पर उसे नजर आएगा चाय वाली टपरी के पास, उसके आसपास जहां पर उसने होटल में रूम ले रखा है, और वहीं से गुजरेगी सभी जिसका एक्सीडेंट करते नजर आएगा चेन्नई। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलने वाला है कि सभी के पीछे यहां पर शराब के नशे में चेन्नई को बार बार वही थप्पड़ की गूंज जो है उसके कानों में गूंज रही होती है। वही ईशान और सभी दोनों ही रामनवमी का सेलिब्रेट करते नजर आएंगे, लेकिन उनके जिंदगी में रावण यानी कि चेन्नई की एंट्री हो चुकी है, जो की कहानी में लेकर आएगा बहुत बड़ा तूफान सभी का एक्सीडेंट करके। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर सभी ईशान के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली है और कहीं ना कहीं उसे प्यार का एहसास हो चुका है और कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वो ईशान के इससे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन इसी बीच जब सभी अपने दिल की बात कहने के लिए ईशान की तरफ बढ़ने वाली होगी और कॉलेज जा रही होगी और उस दिन ठान लेती है कि वो अपने दिल की बात जरूर कह के रहेगी, लेकिन चेन्नई उसका एक्सीडेंट करते नजर आने वाला है, वो भी सभी के एग्जाम से पहले, जो कि सभी के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा एग्जाम से पहले, और यहाँ पर कहानी में आएगा बहुत बड़ा तूफान।